प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया जा रहा है और इसको लेकर के लगातार हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले और अनेक स्थानों पर इस तरह की यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। दमोह जिला मुख्यालय पर आए प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा, विधायक अजय टंडन, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन की सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया और इसके बाद यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर के अंबेडकर चौक पहुंची, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इस यात्रा के लक्ष्य के विषय में अतिथि को द्वारा बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। यात्रा का उद्देश्य पूरे देश और दुनिया को पता है कि किस तरीके से भारत में भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, शांति को और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और इस देश को एक करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उसी उद्देश्य से पूरे देश में कांग्रेस के लोग और देश के लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय से जो रैली निकली है वह हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जगह निकल रही है। अलग अलग तारीखें तय हैं, कल जबेरा में है, फिर तेंदुखेड़ा में है, फिर पथरिया में है, फिर हटा में है, फिर दमोह में है। आज हमारे अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप अहिरवार जी आए हुए थे, उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर भारत जोड़ो इस रैली का उद्देश्य है। आज देश के अंदर जो मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है वह आपस में बंटवारा करके, आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ाई लड़वा के अपने वोटों का तो हिफाजा करना चाहती है, लेकिन आम जनमानस में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। आम जनमानस एकता चाहता है, आम जनमानस अमन चैन शांति चाहता है। इसी के उद्देश्य को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पदयात्रा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी दमोह जिले में पदयात्रा कर रहे हैं और सीधा उद्देश्य है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।